गुड मॉर्निंग वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड और मैं हूँ सौम्यास से so, कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना एंड आप लोग हर एक ब्लॉग में, में मेरा बैकग्राउंड जो है वो चेंज देखते हैं सो so, आज मैं आई हूँ अपने ससुराल में मतलब आज नहीं मैं कल आई थी एंड मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं किया था सो so, आज मैंने सोचा कि, कि सुबह से चलो एक ब्लॉग तो यहाँ का भी बनता है तो so, आज मैं सुबह सुबह से ब्लॉगिंग अपने स्टार्ट कर रही हूँ अभी बस थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले क्या मैं सो के तो बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि बेटू कल रात को ना बहुत जल्दी सो गई थी तो इसके बाद तो वो तीन बजे से हलचल कर रही है और फिर चार बजे से तो प्रॉपर जगी हुई है तो उसको लेकर के घूमना वो सारी चीज़ें एंड अभी मम्मी उसको लेकर के गई हैं बाहर तो अब मैं अपना थोड़ा बहुत काम करूँगी दिन इसके बाद में नहाना वगैरह एंड रात को मैं यहाँ पर सोई थी मॉस्क्यूटो नेट लगा करके एंड ये यहाँ पे कूलर रखा हुआ है सो so, गर्मी नहीं लगी थी ठंड ठंड हल्की हल्की सी लग रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब खुला खुला सा रहता है यहाँ पे तो वो ठंड थोड़ी सी लगती है तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना काम एंड सुबह सुबह उठने के बाद में जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो होता है बॉटल्स क्लीन करना क्योंकि ना रात में इसकी सारी बॉटल्स हो जाती हैं तो सुबह उठ करके अगर इन्हें क्लीन कर दो तो फिर काफ़ी टाइम के लिए आप बॉटल्स वगैरह से फ्री हो जाते हो एंड फिर इसके बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था अभी टाइम दोपहर और शाम के बीच का है आई हुई है मेरी मौसी सास यानी कि गुड्डा की मौसी दादी आजकल ना ये मैडम काफ़ी ज़्यादा वो है मतलब जहाँ भी जाती हैं हर कोई इनसे मिलने आता है सो तो ये लेकिन इसमें ना एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हर किसी के पास में ईजिल चली जाती है मतलब उसको अगर थोड़ी देर देख लेगी ना तो फिर बस उसको पहचान जाती है और फिर उसके पास में जाने लगती है सो तो ये अच्छा रहता है मतलब वैसे होता है कभी कभी बच्चे चिड़चिड़ कर स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि नहीं ये किसी के पास में नहीं जाएगी लेकिन ये बहुत ईजीली हर किसी के पास में चली जाती है और अभी अपने पापा के साथ में कर रही है मस्ती इसको क्या होता है ये कितना भी खेलती रहे कुछ भी करती रहे लेकिन जैसे ही अपने पापा को देख लेती है और फिर ये डिमांड करती है कि इसको ना कोई गोद में ले कर के इसको घुमाए मेरे साथ में इतना डिमांड नहीं करती क्योंकि मैं इसे हर टाइम ऐसे गोद में ले कर के नहीं घूमती हूँ लेकिन जो इसको होता है कि हाँ ये मेरे को ज़्यादा गोद में ले कर घूमता है तो फिर उसके साथ में तुरंत से डिमांड करने लगती है और हस्बैंड मेरे सुबह से ही बाहर गए हुए थे वो अभी जस्ट आए हुए हैं थोड़े से थके हुए थे तो मैंने कहा कि चलो मैं तुमको बाहर घुमाती हूँ एंड ये है हमारे घर का जो बाहर वाला एरिया है यहाँ पे एक ये पेड़ लगा हुआ है अमरूद का एंड ये हमारा मेन गेट है एंड यहाँ पे कुछ जानवर हैं जो कि पड़ोस वाले घर के हैं एंड जो हमारा मेन घर है मतलब हम जहाँ रहते हैं वो ये है वैसे तो ये पूरा घर ही है मतलब ये थोड़ा सा बाहर का खुला एरिया है एंड फिर इसके बाद में ये हमारा घर है एंड मैंने जो अपने व्लॉग में लास्ट व्लॉग में अपने गाँव का शेयर किया था उसमें भी आपने कहा था कि आपका घर एकदम देसी स्टाइल से है तो एक बार अपना घर दिखाइए एक्चुअली क्या है ना मैं यहाँ मतलब नोएडा आने के बाद में व्लॉग्स एडिट करके डाल रही हूँ सो दैट मैं अभी तो आपकी डिमांड पूरी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी मैं वापस आ चुकी हूँ लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी एंड सेम इसी तरीके से ये जो मेरा ससुराल वाला घर है ना ये भी एकदम देसी स्टाइल में जिस तरीके से गांव के घर होते हैं पुराने घर उसमें सारी चीज़ें मतलब अनाज रखने की ये सारी चीज़ें एकदम पुरानी चीज़ें होती हैं ना वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँ क्योंकि पहले जो घर होते थे ना वो इस तरीके से ही होते थे एंड अभी जो घर बन रहे हैं ना वो उसमें मतलब पता नहीं चलता है कि हाँ कौन सा घर बाहर का है या कौन सा गाँव का है मतलब सारे घर एंड लोग करते हैं ना जिस तरीके से सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो घर भी उस तरीके से बनना स्टार्ट हो गया है एंड ये देखो शाम का टाइम है और सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं चने तोड़े जा रहे हैं निमोना आपने सुना ही होगा ना वो निमोना बनने के लिए वैसे मटर का भी बनता है लेकिन हमारे यहाँ पे ना जो चने का निमोना होता है वो बनता है और बेटी मेरी बहुत ज़्यादा शोर कर रही है उसको लग रहा है कि मैं उससे बात क्यों नहीं कर रही हूँ सो so, यहाँ पे निमोना की तैयारी हो रही कल इसी चने का जो था वो होला बनाया गया था कल मतलब जिस दिन मैं आई थी उस दिन की बात कर रही हूँ और फिर इसके बाद में आज ये निमोना के लिए चने तोड़ जा रहे हैं एंड मैं थोड़ा सा रेडी मैं रेडी कुछ भी नहीं हुई थी मैंने सिर्फ साड़ी पहनी थी एंड जिस मैंने कोई भी मेकअप वगैरह नहीं किया था सिर्फ मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था एंड मैं जा रही हूँ मंदिर प्रसाद चढ़ाने मंदिर मेरे घर का ही है लेकिन वो घर पे नहीं है थोड़ी सी दूर में है सो so मैंने वहाँ पे जाने के लिए साड़ी पहन ली है एक्चुअली मुझे कल ही जाना था लेकिन होता है ना कि जब आप जिस तरीके से चीज़ें सोचो तो हमेशा उस तरीके से नहीं होती है सो so दैट कल मैं किसी रीज़न से जा नहीं पाई एंड फिर सुबह सुबह हस्बैंड मेरे बाहर निकल गए तो फिर तो भी मैं नहीं जा पाई और उसके बाद में दोपहर हो गई तो दोपहर में मंदिर जाना कुछ बनता नहीं है तो अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए प्रसाद वगैरह जो है वो मैं कल अपने साथ में लेकर के आई थी क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरा इस तरीके से प्लान था कि मैं कल जाऊँगी एंड ये देखो पता है इसको एक बार ही खासी आती है ना तो ये मस्ती करके इस तरीके से करती है और फिर इसके बाद में इतना खुश होती है एंड ये है हमारे घर का मंदिर राम भगवान सीता मैया लक्ष्मण भगवान और हनुमान जी एंड ये व्लॉग उस दिन का है जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव था तो फिर मेरा एक ये भी था कि हाँ उस दिन ही मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊँगी एंड फिर इसके बाद मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया और अभी शाम का टाइम है मैं वॉक करने आई थी बाहर मतलब रात का टाइम है और ये व्यू मुझे इतना प्यारा लग रहा था कि मैंने कहा कि नहीं चलो उसको तो कैप्चर करना ही है कितना सुंदर लग रहा है ना देन अभी हो गया है नाइट टाइम और हम करते हैं सोने की तैयारी एंड ये बिट्टू मेरे बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं इसका इस तरीके से ही रहता है ना फिर जब मैं परेशान जाती हूँ तो मैं चुपचाप से लेट जाती हूँ और फिर जब से कोई बात नहीं करता है तो ये फिर सो जाती है इस तरीके से रहता है एंड हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और ये देखो रात में जितना अच्छा व्यू था उतना ही अच्छा दिन में भी है सुबह सुबह मतलब कितनी प्यारी प्यारी से धूप आ गई अभी गर्मियों में तो धूप की उतनी ज़रूरत नहीं होती है लेकिन जब सर्दियाँ होती है ना तो यहाँ पे ये यह धूप मतलब इतनी अच्छी आती है कि आप कितनी भी देर बैठो आराम से जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आती है मतलब यार धूप वगैरह तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलती है इस तरीके से मेरा घर ही बना हुआ है एंड फिर आज मुझे निकलना भी है क्योंकि कल जाना है मुझे वापस सो so दैट वहाँ पे भी सारा सामान बिखरा हुआ है क्योंकि इतने दिन से आओ ना आपसे तो सारा सामान बिखर जाता है तो वो सारी चीज़ें अरेंज करनी है गुड्डा को मैंने रेडी कर दिया उसको मैंने नहलाया नहीं है सिर्फ एक स्पंज बाद दिया हुआ है देन फिर उसके बाद में रेडी कर दिया एंड फिर इसके बाद में मैंने भी नहाया था ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ था दैन फिर उसके बाद में हम लोग निकले थे एंड उसके बाद का मैं अभी कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि होता है ना सारी चीज़ें पैक करो फिर तैयार हो नाश्ता वगैरह करो ये सारी चीज़ें करते करते फिर मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिला एंड एक ये व्यू और है मेरे गांव का कितना सुंदर लग रहा है ना एक्चुअली यहीं पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी सो बस मैं बैठी और मुझे इतना प्यारा लगा कि मैंने कहा कि चलो ये भी एक लास्ट लुक ज़रूर ले लेती हूँ एंड गया इस वाले ब्लॉग वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ मैंने अपने ससुराल के मायके के एंड गाँव के हर जगह के ब्लॉग आपके साथ में शेयर किए हैं सो uh, so आपको ये वाला ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो उसे लाइक कर देना नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक हेल्दी रहिए खुश रहिए